उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग ने इंटक कांग्रेस का दामन थामा। इंटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह विष्ट की ओर से सभी का संगठन में स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि करीब 50 से ज्यादा लोगों ने इंटक कांग्रेस का दामन थामा है। इन सभी के आने से संगठन को काफी ताकत मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इंटक कांग्रेस आने वाली 9 दिसंबर से देहरादून में शुरू होने जा रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी। साथ ही ये भी बताया कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार के सत्ता में आने के बाद से जनता परेशान है और केंद्र सरकार सरकारी उपक्रमों का निजीकरण कर रही है। इसकी वजह से लाखों लोगों के रोजगार पर संकट गहरा गया है। बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है। उन्होंने ये भी बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान बढ़ती हुई महंगाई, निजीकरण, बेरोजगारी जैसे विभिन्न मुद्दों के विरोध में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। तो महंगाई, निजीकरण, बेरोजगारी जैसे तमाम चीजों को लेकर जो है विधानसभा का घेराव करने की बात कही जा रही है। जहां लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं और जनता परेशान है, वहीं बीजेपी की सरकार की सत्ता में आने के बाद से इस तरह का जो बयान है लगातार आ रहा है। वहीं इसी कड़ी में आपको बता दें कि दिसंबर से देहरादून में शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र है, वही कांग्रेस में आने वाली है। कांग्रेस का कई इंटक में कांग्रेस के कई लोगों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस दौरान मुख्यालय देहरादून में सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने इंटक कांग्रेस का दामन थामा। जहां इंटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह विष्ट की ओर से सभी का संगठन में जोरदार स्वागत भी किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि करीब 50 से ज्यादा लोगों ने इंटक कांग्रेस का दामन थामा है और अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने सभी का जोरदार स्वागत भी किया। इस दौरान वही सभी के आने से संगठन को ताकत मिलेगी, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इंटक कांग्रेस आने वाली 9 दिसंबर से देहरादून में शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र के दौरान जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि राज्य में बीजेपी की सरकार जब से सत्ता में आई है उसके बाद से आम जनता परेशान है। उन्हें किसी भी तरह का कोई सहूलियत नहीं मिल रहा है, सिर्फ महंगाई बढ़ रही है और केंद्र सरकार सरकारी उपक्रमों का निजीकरण कर रही है। इसकी वजह से लाखों लोगों जो है रोजगार का संकट गहरा गया। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा बेरोजगार है खासकर।